सो वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले हम यहाँ से EUT करेंगे ओपन, उसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद VPN प्रोटोकॉल करेंगे सेलेक्ट। उसमें हमें सेलेक्ट करना है UDP डायरेक्ट एंड SSL ओनली। फिर वापस जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिकबस #crickbus.com, ऊपर ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन रखेंगे कनाडा OVH, ऊपर ये पहला ही उसको सेलेक्ट करना है, रखना है कनाडा OVH। फिर नीचे करेंगे स्टार्ट, बस इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिसने भी EUT अभी तक यूज़ किया होगा उनको पता होगा, इसको बस स्टार्ट होने में थोड़ा सा 1-2 मिनट लगते हैं बस, फिर तो चलने में तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगा रहा है यहाँ पे। ऐसे कभी कभी तो ये एक एक क्लिक पे हो जाता है, बस कभी नेटवर्क होता है वीक थोड़ा, फिर थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये टाइम आउट हो गया यहाँ से, जब टाइम आउट चढ़ जाता है उस पर कैंसिल करना होता है, फिर से करना होता है स्टार्ट। ये अब हो गया यहाँ से दूसरा अटेम्प्ट हमारा, एक दो अटेम्प्ट में हो जाता है कनेक्ट, हार्डली 3 अटेम्प्ट्स लेता है अगर ज़्यादा स्लो होता है नेटवर्क। ये थोड़ा और टाइम ले रहा है हमारा यहाँ से, ये चढ़ गया कनेक्टिंग, हो गया कनेक्ट ये। अब हम वापस जाते हैं यहाँ से, अब हम आपको दिखाते हैं इसकी स्पीड, जो आपको पता ही होगा इसकी स्पीड के बारे में। स्पीड मास्टर है ये खुल गया यूट्यूब। अब हम यहाँ से कोई वीडियो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे कोई वीडियो, इसको करेंगे हम ओपन यहाँ से। ये चल गया, एक ही क्लिक पे चल जाता है इस पे वीडियो। होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।